नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। ये जो आपको फार्म दिख रहा है, ये अहमदनगर जिले में जाते गांव पे ये फार्म बनाया है। आप देख रहे हैं, ये जो है वो फ्रंट का एंट्री है, यहाँ पे ऑफिस है। ये अपना जो फीड का गाड़ी आएगा वो वहां से वो रोड पे ऐसा गाड़ी आएगा, इधर रिटर्न लगा दिया, ये गाड़ी में से फिर डायरेक्टली इधर अंदर जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा फीड का फीड रूम है, काफी बड़ा है। जो भी अपना फीड आएगा वो डायरेक्टली इधर से इधर स्टोर रूम में इधर स्टोर होगा। ऊपर दिख रहा है आपको ये पानी का टैंक, ये 2000 लीटर का दो टैंक है और 1000 लीटर का मेडिसिन के लिए बनाया है। यहाँ पे फिल्टर, मतलब ये जो पानी का टंकी में जो पानी है वो से फिल्टर होके अंदर जाएगा, अंदर जो आपको इधर से वो नीचे आए अपना निप्पल लाइन को। इधर जो है वो ये ऑफिस बना है, काफी अच्छा है। ये देखो, ये फ्रंट से एंट्री होगी, ये ऑफिस। यहाँ पे एक लेबर को रूम बनाया है, देखो, मतलब यहाँ पे सब पूरा लेबर का है, ऑफिस का है, सब सुविधा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, इधर एक विंडो रखा है जो कि लेबर रूम से, मतलब रात में इधर अंदर से भी वो देख सकता है फार्म को। यहाँ पे कंट्रोल पैनल फिट किया है, यहाँ पे भी एक विंडो रखा है। इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल पैनल, यहाँ पे ये सब स्विचेस है। ऊपर जो लगाया है वो अलार्म सिस्टम है। चलो हम अब आगे जाते हैं, शेड में एंट्री करते हैं। ये जो शेड है, ये शेड का लंबाई है 300 फीट और वेट जो है इसका वो 40 फीट, 300x40 फीट का ये पूरा शेड है। मतलब ये टोटल जो है वो 12,000 स्क्वायर फीट का शेड है। इसमें 0.8 के हिसाब से अगर चिक्स डाल दिया तो इसमें 15,000 चिक्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा ये भी क्लीनिंग वगैरह सब क्लीनिंग हुआ है, अभी भी नया इंस्टॉलेशन सब किया है। सीलिंग का बहुत अच्छा क्वालिटी यहाँ पे फिटिंग किया है, आप देख रहे हैं पूरा फ्लैट, कोई भी देखो कितना ग्लास सीलिंग बनाया। ये जो है वो एक कूलिंग पैड का है, जो पर्दा ऊपर किया है अभी, ये दोनों साइड में कूलिंग पैड है। यहां से मतलब ठंडा हवा अंदर आएगा शेड में। फीडिंग लाइन, ये फीडिंग लाइन है और ये निप्पल। ऊपर देखो यहाँ पे
काफी अच्छा है, उसको स्टैंड भी दिया है। निप्पल लाइन जो है, ये निप्पल लाइन का विंचेस है, ये हैंडल यहां से पूरा लाइन ऊपर नीचे होता है। काफी अच्छा क्वालिटी है ऊपर का, ये जो है पूरा GI का ही मटेरियल है। ये स्पेस हीटर है यहाँ पे, ये जो अपना ब्रूडिंग के लिए दिया है, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे फीडिंग का विंचेस है, इससे लाइन पूरा ऊपर नीचे होता है।